लाइमलाइट में आने के लिए अपनी भूमिका समाज में कुछ स्थापित करने के लिए इस प्रकार से बयानबाजी करते रहते हैं, और उनके इस बयान को बहुत प्रदेश देश की जनता बहुत गंभीरता से लेती नहीं, सब जानते हैं। जिस प्रकार से वो पिछले सत्रों समय से बयानबाजी कर रहे हैं, उस बयानबाजी में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो मूल चरित्र है वो परिलक्षित होता है। और समाजवादी पार्टी जिस अयोध्या में कार सेवकों का नरसंहार, बाद में मठ मंदिरों पर हमले, आतंकवादी हमले, और उन हमलावरों के साथ खड़े रहना, ये समाजवादी पार्टी का हिंदू विरोधी चरित्र है। और इस चरित्र में बीच बीच में स्वामी प्रसाद जी के जो बयान वो आते हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्टता के साथ झलकते हैं। लेकिन मैं एक बार आपके सामने फिर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता इन सब विषयों को बहुत गंभीरता से लेती नहीं है, और वो अपने इन बयानों से लाइमलाइट में रहना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं इस तरह की बयानबाजी करके वो। लेकिन समाजवादी पार्टी कोई निश्चित रूप से अपना चरित्र, जो उनका बयानबाजी है उसके बारे में अपना मत उनका क्या है, ये स्पष्ट रूप से जनता को बताना चाहिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उसके बाद भी लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल वो भी उस बयान को सही ठहरा रहे हैं, उनका भी समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में वैमनस्यता, टकराव, तनाव, जातिवाद और एक पूरे प्रदेश में भय का वातावरण उत्पन्न करके वोट लेना चाहती है, जनता का वोट लेना चाहती है। लेकिन अब प्रदेश की जनता सजग है, और प्रदेश की जनता मोदी जी के और योगी जी के विकास के मुद्दे के साथ, डेवलपमेंट के साथ, और हमारी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है सबका साथ सबका विकास, उस फार्मूले के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति करने वालों का, देश में टकराव और तनाव और सामाजिक विषमता पैदा करने वाली राजनीति का कोई स्थान अब देश में नहीं है। इसके साथ ही मायावती न कहीं ये लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने की बात है और ओछी राजनीति की जा रही है। नहीं, हमने तो स्पष्ट हमारा मत है कि जिस प्रकार से उनकी बयानबाजी रही है और जो वो बयान देते रहे, भाई उन्होंने रामायण के बारे में, गीता के बारे में, साधु संतों के बारे में, मठ मंदिरों के बारे में, करोड़ों लोगों की आस्थाओं के जो देव स्थान है उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी की है, और आपने देखा उन्होंने एक रामायण की प्रति जलाने तक का काम किया है, तो प्रदेश की जनता सब जानती है, प्रदेश की राजनीति में अब उनका कोई स्थान नहीं है, वो भ्रमित है और दिशाहीन है। एक आखिरी सवाल के बारे में ये बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जाती है, किस हद तक सही है? हमारा तो स्पष्ट मत है, राजनीति संभावनाओं वाला खेल है, हमेशा संभावनाएं बने रहती हैं। लेकिन बीजेपी का स्पष्ट मत है कि जो हमारे साथ काम करना चाहता है, हमारी विचारधारा से सहमत है, और सरकार का जो मोदी जी का और योगी जी के डेवलपमेंट के विषय हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, जो उनके साथ जुड़कर चलना चाहते हैं, हम सबका स्वागत करते हैं।